दोस्तों मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाया था जिस पर मुझे बहुत सारे कमेंट आए थे कि भाई राइट साइड में जो दर्द होता है, राइट साइड में जो पेट दर्द होता है उसके कौन कौन से कारण हैं, उस पर ऑलरेडी वीडियो बनाई है आप यहाँ पर, आपको लोगों मिल जाएगा, वीडियो मिल जाएगा आपको यहाँ पर, तो आप वो वीडियो देख लीजिए। उसमें मैंने लगभग 5 पॉइंट बताए हैं जिसके कारण जो है आपको राइट साइड में पेट दर्द हो सकता है। तो वो सिर्फ उसकी इन्फॉर्मेशन थी कि वो दर्द किन कारणों से हो सकता है, लेकिन उस वीडियो पर इतने ज़्यादा कमेंट आए कि भाई आपने दवाई बताई नहीं है उस वीडियो में, तो उस वीडियो का जो सेकंड पार्ट है वो ये वीडियो हो सकता है, या ये वीडियो ही उसका सेकंड पार्ट है जिसमें मैंने बस राइट साइड में पेट दर्द होने के कारण जो है आपको उसमें कौन कौन सी औषधियाँ इस्तेमाल कर लेनी चाहिए, तो इसके बारे में ये वीडियो है। वो वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या आई बटन में भी दे दूंगा, आपको उसको पहले देख लेना है, फिर बाद में जो है आपको अपनी जो कुछ भी क्यूरीज है उसका आपको इसमें मिल जाएगा, जो कुछ भी आपको आंसर चाहिए। तो कमेंट करने से पहले और इस कोई भी मेडिटेशन करने से पहले सबसे पहले वो वीडियो देख लीजिए, और वीडियो के देखने के बाद ही जो है कमेंट करना ना भूले। ये वीडियो जो है उस वीडियो का सेकंड पार्ट है। अपेंडिक्स के जो सिम्टम्स है, पेट में दर्द की शिकायत रहना, भूख न लगने की परेशानी, मितली होना, उल्टी आना, कब्ज या दस्त की समस्या होना, बुखार आना, एसिडिटी की समस्या रहना, पेट में सूजन होना, पेट में ऐंठन महसूस होना, मल त्याग करने में परेशानी होना, इसको डायग्नोस करने के लिए हम सीटी स्कैन कर सकते हैं, एमआरआई कर सकते हैं, और एक बात करेंगे कि इसका जो है आपको मतलब अल्ट्रासाउंड भी करके जो है आप जो है इसके पता लगा सकते हैं कि आपको जो है अपेंडिक्स की समस्या है या नहीं। तो भाई अपेंडिक्स का आयुर्वेदिक इलाज क्या है, जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया था, तो भाई लहसुन में एंटीवायरल, एंटीऑक्सीडेंट और एंटीफंगल गुण मौजूद होते हैं। इन गुणों के साथ साथ इसमें विटामिन, मैंगनीज, कैल्शियम एवं आयरन होते हैं जो कि बहुत अच्छे होते हैं। कच्चे लहसुन का सेवन करने से सेहत बहुत ही लाभकारी होता है और अपेंडिक्स की परेशानी भी जो है नहीं होती। अपेंडिक्स का आयुर्वेदिक इलाज है पुदीना। पुदीने में फॉस्फोरस होता है, विटामिन सी, विटामिन ए, आयरन, कैल्शियम और मैंगनी जैसे पोषक तत्व मौजूद होते हैं। पुदीने से अपेंडिक्स की आयुर्वेदिक इलाज किया जाता है। दरअसल आयुर्वेदिक एक्सपर्ट पुदीने की चाय के सेवन की सलाह देते हैं क्योंकि पुदीने के सेवन से दर्द में राहत मिलती है और अपेंडिक्स के कारण मितली आना, गैस, चक्कर आने की जो परेशानी है उससे भी जो है निजात मिलती है। नेक्स्ट बात करेंगे कि डाइवर्टिकुलाइटिस के लक्षण क्या है। तो दर्द जो लगातार हो सकता है और कई दिनों तक लगा रहता है, पेट के निचले हिस्से में दर्द सामान्य जगह, हालांकि पेट के दाहिना हिस्सा अधिक दर्दनाक हो सकता है, खासकर एशियाई मूल के लोगों में होता है ये। तो इसके लक्षण है जी मिचलना, उल्टी, बुखार, पेट की कोमलता, कब्ज या सामान्यतः दस्त लगना इसके लक्षण है। नेक्स्ट बात करेंगे कि जेर्ड जिसको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज भी कहा जा सकता है, इसमें खट्टी डकार आना, मुंह में स्वाद खराब होना, कफ और गले में दर्द महसूस होना, पेट का फूलना, ये कुछ इसके जो है लक्षण है। तो गैस्ट्रोइसोफेगल डिजीज में जो पाचन संबंधी जुड़ी समस्या है इसका बहुत बड़ा कारण है, इसलिए इससे बचने के लिए एसिड रिफ्लक्स की समस्या को ठीक करना बहुत जरूरी है। आयुर्वेदिक उपचार के लिए पहले एसिड रिफ्लक्स और पेट की अन्य समस्याओं का भी उपचार जो है जरूरी है। आइए जानते हैं बार बार परेशान करने वाली एसिड रिफ्लक्स और एसिडिटी की समस्या के लिए आयुर्वेदिक उपचार कौन कौन से है। एसिड रिफ्लक्स की समस्या से छुटकारा दिलाने में सौंफ, तुलसी के साथ साथ ही किचन में मौजूद अन्य मसाले भी बहुत कारगर साबित होते हैं, तो उनका इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं। एसिड रिफ्लक्स की जो समस्या होने पर सौंफ, तुलसी और लौंग चबाना फायदेमंद होता है। दरअसल ऐसी कोई भी चीज़ जो मुंह में लार बढ़ाती हो उससे पेट का जो अल्सर है या पेट के जो एसिड बैलेंस है वो ठीक हो जाता है। इसके अलावा नारियल का पानी और छाछ पीना भी फायदेमंद है। आयुर्वेद के मुताबिक छाछ पाचन में मदद करने के साथ साथ एसिड रिफ्लक्स के जो कारण वाली पेट की जो जलन है उसको भी शांत करने का काम करता है। खाने के बाद गुड़ का सेवन करना भी पाचन को ठीक रखता है और एसिडिटी की समस्या नहीं होने देता। यदि आप अक्सर एसिडिटी के परेशान रहते हैं तो जीरा और अजवाइन को भूनकर पानी में उबाल कर ले और इस पानी को ठंडा करके उसे थोड़ा शक्कर मिलाकर पिए तो भी ये सब बहुत अच्छा लाभ होता है। जायफल और सौंठ को मिलाकर इसका चूर्ण बना ले और रोजाना एक चुटकी इसी लेने से एसिडिटी की समस्या नहीं होती। अब बात करेंगे कि IBS या जिसको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कहा जाता है, दस्त या कब्ज होना, पेट की दर्द की शिकायत, मल त्याग करने में परेशानी, सुबह पेट साफ ना होना, हाथ पैरों में सूजन, आलस्य और चिड़चिड़ापन, ये कुछ इसके लक्षण है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में अगर बार बार पेशाब रहते हैं तो काली मिर्च, काला नमक दोनों 3-3 ग्राम मुट्ठी में लेके इसके जल्दी से
आराम मिलता है। इसके अलावा हरड़ का चूर्ण और थोड़ा सा काला नमक पानी में अच्छी तरह से घोले और फिर इसे सुबह शाम पिए। इसके योग कब्ज से जो संग्रहणीय है उसमें लाभ देता है। अदरक, तुलसी, काली मिर्च तथा लौंग का काढ़ा पीने से वात संग्रहण के उपद्रव जैसे पेट के गैस, तनाव में भी जो है आपको लाभ मिल सकता है। हरड़ की छाल, पीपल, सौंठ और काला नमक सबको 10-10 ग्राम मिलाकर पीस कर चूर्ण बना ले। इसमें आधा चम्मच मुट्ठे सेवन करें। 15 दिनों तक चूर्ण खाने से वात संग्रहणी जो है आपको लाभ मिल सकता है। नेक्स्ट बात करने की भाई हर्निया के जो सिम्टम है कौन कौन से, तो हर्निया के लिए आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां कुछ इस प्रकार है। हिंगू, पाचन में सुधार के लिए हिंगू का इस्तेमाल किया जाता है। आयुर्वेद के अनुसार हिंगू में दीपन, भूख बढ़ाने वाले गुण मौजूद होते हैं। एक प्रकार के कंद से प्राप्त गोंद और हिंग के पौधे की जड़ की प्राकृतिक ऐठन से राहत, वायुनाशक, कफ निस्सारक, बलगम निकालने वाला और रेचक मल त्याग क्रिया को नियंत्रित प्रभाव वाली होती है एवं इस वजह से यह हर्निया के लक्षणों से राहत दिलाने में मदद करती है। वात विकारों के इलाज के लिए इसे सबसे बेहतरीन जड़ी बूटी में से एक माना जाता है। पेट फूलने, ऐठन, दर्द, गैस की समस्या से निजात पाने के लिए उत्तम जड़ी बूटी है। ये आंतों को मजबूत और कब्ज से राहत दिलाने भी मददगार होती है। कुटज, संकुचक, पेचिश रोधी और कृमिनाशक गुणों से युक्त होने के कारण कई रोगों का इलाज इस आयुर्वेदिक जड़ी बूटी का इस्तेमाल किया जाता है। ये भूख को बढ़ाती है और पाचन में सुधार कर हर्निया के इलाज में भी मदद करती है। इसके अलावा पेट खराब करने वाली हानिकारक बैक्टीरिया या पैथोजेनिक को भी आंतों से साफ करने का काम करती है। सनायपति, ये जड़ी बूटी पेरिस्टेलिसिस, भोजन के पाचन तंत्र में विभिन्न जगहों तक ले जाने वाली मांसपेशियों के संकुचन की श्रृंखला जिसे क्रमांचुन भी कहा जाता है को बढ़ाकर मल त्याग की क्रिया को बेहतर करती है और आंतों की मांसपेशियों में नियमित संकुचन लाती है। इससे हर्निया में होने वाली कब्ज की समस्या को भी दूर किया जा सकता है। मल त्याग की क्रिया को नियंत्रित करके मल जमने के जो पेट की परतों पर अत्यधिक दबाव से सनायपति जो है खत्म कर सकती है। मंजिष्ठ, काढ़े, पाउडर, पेस्ट या घी के रूप में इसे प्रयोग कर सकते हैं। मंजिष्ठ की जड़ को खून साफ करने के लिए जाना जाता है। ट्यूमर और सूजन संबंधित कफ विकार के इलाज में मंजिष्ठा प्रभावी है, इसलिए हर्निया के उपचार में इसका प्रयोग किया जाता है। यह ऊतकों के उपचार में भी सहायक है, इसलिए इसके इस्तेमाल से सर्जरी के बाद व्यक्ति की हालत में सुधार लाया जा सकता है। करंज, करंज आंतों को उत्तेजित कर पाचन को बढ़ाती है। यह शरीर में जाकर भोजन को टूटने और आवश्यक पोषण तत्वों के अवशोषण में मदद करती है। यह पेट की गैस को खत्म कर पेट फूलने की समस्या से राहत दिलाती है। हर्निया के लिए आयुर्वेदिक औषधा है त्रिफला गुग्गल। इसमें प्रमुख घटक के रूप में त्रिफला, त्रिकटु और गुग्गुलु मौजूद होते हैं। त्रिफला मिश्रण में पाचक, हल्के रेचक, पेट साफ करने वाली, आंतों के लिए शक्तिवर्धक, वायुनाशक, कफ निस्तारक और ऐठन दूर करने वाले गुण होते हैं। ये सभी गुण मिलकर हर्निया के लक्षणों को दूर कर इस बीमारियों का इलाज करते हैं। त्रिफला गुग्गुल में दर्द निवारक गुण भी होते हैं और ये हर्निया की सर्जरी के बाद होने वाले दर्द को भी नियंत्रित करने में मदद करते हैं। गंधक रसायन, इस मिश्रण में शुद्ध गंधक के साथ साथ दालचीनी, हरितकी, नाग केसर मौजूद होते हैं। ये रक्त धातु को साफ और सभी धातुओं की चयापचय अग्नि को नियंत्रित करता है। किसी दोष या धातु के घातक रूप से बढ़ने या असंतुलित होने पर विशेष रूप से इस औषधि को दिया जाता है। गंधक रसायन को वात और पित्त दोष को शांत करने के लिए जाना जाता है। यह पाचन को बढ़ाता है एवं दीपन गुण इसमें मौजूद होता है। इस तरह यह पाचन में सुधार और आंतों की मांस पर पड़े अत्यधिक दबाव को कम करता है। गंधक रसायन में दर्द निवारक गुण होते हैं एवं यह हर्निया सर्जरी के बाद होने वाले दर्द को भी नियंत्रित करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।